तो मैं रस्सी भूल गया हूँ घर ही, अब वापस जाना पड़ रहा है मुझे। गाइस मैं सोच रहा हूँ मम्मी के साथ प्रैंक कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी करीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मुझे घर का ही काम करना है, बाकी अपने कपड़े वगैरह धोने हैं। मौसम जो है आगे से तो पूरा ख़राब हो चुका है, मन की बारिश आ सकती है आज। और बाकी सूर्यदेव भी काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, नज़ारे जो है आगे के फिर से बंद हो रखे हैं। तो अभी मुझे इनको अंदर ले जाना है, अभी तो नहीं थोड़ी देर में। और मुझे अभी कपड़े धोने हैं, बाकी अभी यहाँ की सफाई करी मैंने। और अब मुझे एक बाल्टी ये है और एक पतीला हुआ है कपड़ों का, बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे सामने के। ताई जी भी लगी पड़ी है अपने कामों पे। एक साथी हमारा ये भी है किट्टू, इसका नाम किट्टू है। किट्टू आजा। तो आगे से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, पर नहीं, ऊपर से जो है बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। देख सकते हो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे और घरों पे भी अच्छी अच्छी धूप लग गई है। अब मुझे मम्मी ने काम दिया था कि जो यहाँ पे कोदा रखा है ना, जो परसों हमने कोटा था, तो उसको सुखाने के लिए रखना है। कल झंगोरे को रखा था, आज इस कोदे को रखेंगे। ऊपर में दो थैले हैं, दो ही थैलों को ऊपर सुखाने के लिए रखेंगे छत में। पहले मुझे इसमें झाड़ू मारना पड़ेगा यार, रोज़ रोज़ आजकल झाड़ू मारना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ना झंगोरे के दाने हैं वो कोदों में चले जाएंगे। बाकी ताई जी ने यहाँ पे कोदा रखा है सुखाने के लिए, वहाँ पे गेहूँ है और वहाँ पे झंगोरा है सुखाने के लिए रखा हुआ। निपट चुके हैं घर के सारे काम, अब जाता हूँ मैं मम्मी को लेने के लिए। चलिए, वैसे आज धूप बहुत अच्छी खिली है। तो मैं रस्सी भूल गया हूँ घर ही, अब वापस जाना पड़ रहा है मुझे। पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, मैं जो ज़्यादा ही भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं आजकल। ताई जी हंस रही है मेरे पे, व्यस्त तो हो गए पर आजकल ज़्यादा। वहाँ पीछे चले गया था मैं, वहाँ से वापस आया हूँ, पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं हर चीज़। बाकी ताई जी लाई है खेत से ककड़ी, देख सकते हो पीली हो गई है ज़्यादा ही, बड़ी हो गई ना इसलिए। अब थोड़ी देर में अभी जंगल से आएंगे, उसके बाद आराम से खाएंगे घर आके, आपको अभी बताएंगे हम। क्यों ताई जी? हाँ, उस छोटे बच्चे को मार रहे हैं बेचारे। माना सुनते थे हैं? अच्छा, अरे दीदी जी भी आ चुकी है खेत से घास लाके, खेत से ही लाए हो ना। हाँ दीदी, तो 12 बज चुके हैं ना, तो इसलिए सारे जो खेतों में गए होंगे सारे घर आ चुके हैं, क्योंकि धूप आज बहुत तेज हो रही है। Thank you.
उत्तराखंड में एक चीज का मजा तो यही है भाई, ऐसे पानी मिल जाता है। जो आगे से चाची जी जा रही है ना, तो उनके लड़के जी का जो है आज जन्मदिन है, तो हमें इनवाइट किया है वहाँ, मज़ा आएगा आज। तो मुझे जाना है अब जहाँ परसों जा रखे थे खेत में। हो गया ये देख रहे हो इधर, दिमाग खराब हुई तो अब इसको मेरे को ले जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी के पैर में हो रहा है दर्द। बाकी मेरी छोटी बहनें भी लगी हुई हैं गोबर ले जाने पर। ठीक छे, तो मुझे अब ये गोबर ले जाना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी के पैर में जो है वो जो हंसी थी ना, उसने मम्मी के पैर में अपना पैर रखा और मम्मी का पैर जो है मोटा हो गया। अब मेरे को ले जाना पड़ रहा है, मानी चलने के लिए नहीं हो पा रहा ना मम्मी के लिए, तो इसलिए मेरे को ले जाना पड़ रहा है। मम्मी कह रही क्यों अपनी बेइज्जती कर रहा है, यार हम पहाड़ी हैं, हम हर चीज़ करेंगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो पहाड़ी कैसे कहलाओगे भाई, नाचने से थोड़ी ना पहाड़ी हो गया है, या बोलने से थोड़ी ना पहाड़ी होंगे, ऐसा काम करोगे तभी तो पहाड़ी कहलाओगे भाई। ये देखिए, ये वाले भारी ले जानी है मुझे उधर। तो धीरे धीरे जो है गांव में ठंड भी बढ़ने शुरू हो गई है। शाम को मैं जा रहा हूँ घर और मम्मी निकालेगी वहाँ पे एक घास का पुल्ला, ठीक था वह चलू भी।
मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना है, मम्मी को भी आना है, पर मम्मी को लेट में आना है, मेरे को पहले ही जाना है। तो मैं जा रहा हूँ घर, मेरे फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है ना, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। बर्थडे पार्टी तो भी शूट करेंगे ना। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, और आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी कल 4 बजे आज रात की बर्थडे पार्टी वाली वीडियो भी आएगी, तो उसे भी जरूर देखना, और खूब सारा प्यार दीजिए अपना। मैं मिलता रहूँगा आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।